हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच बताने वाला हूँ किसी भी गाने का एल्बम का टाइटल का टेक्स्ट जो लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, और उसे किस प्रकार 3D बनाते हैं, और उसे किस प्रकार कलर फिल करते हैं। तो वीडियो में, एक ही वीडियो में आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर बताऊँगा किस प्रकार इसे 3D बनाते हैं और किस प्रकार इसे लिखते हैं। और इसमें जो जो फॉन्ट यूज हुआ है, इस फॉन्ट यदि किसी को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं बताऊंगा ये फॉन्ट कहाँ से मिलेगा। और जिस किसी को भी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ फॉन्ट्स और PNG और बैकग्राउंड या फिर किसी भी प्रकार का सहायता चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और इस PSD फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है जो कि आपको वीडियो में एक स्टेप में पासवर्ड मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पासवर्ड को लिख लें ताकि आप लोग को एक्सट्रैक्ट करने में परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनी टाइम रिसर्च में। टेक्नोलॉजी तथा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और इस तरह का बोलबम गाने का टाइटल टेक्स्ट कैसे लिखते हैं तो चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार इस तरह का टेक्स्ट लिखते हैं और इस तरह का 3D बनाते हैं। और इसमें यूज किए गए फॉन्ट यदि किसी को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करें, मैं बताऊंगा कि ये फॉन्ट कहाँ से मिलेगा आप लोग को। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस तरह का एल्बम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले न्यू लेयर ले तो सबसे पहले फोटोशॉप में न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर साइज में बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ। यदि किसी के कंप्यूटर में ग्लिप्स नहीं मिल रहा है जो कि स्टाइलिश फॉन्ट लिखा जाता है इससे, तो नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा कि कहां से इसे ग्लिप्स को लाना है और इस प्रकार टेक्स्ट लिखना है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। बिल्कुल आसान तरीके से आप इस तरह का एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। और किसी को भी इस तरह का फॉन्ट चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये फॉन्ट कहाँ पे मिलेगा। एल्बम टेक्स्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पर फाइल में जाना है, और उसके बाद प्लेस लिंकेड में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट का टेक्सचर है, जो कलर टेक्सचर है वो उसे लाना है, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप इस तरह का टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं।
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो ये देखिए हमारा एल्बम टेक्स्ट का डिजाइन बिल्कुल उस गाने का एल्बम जैसा हो चुका है, और आप भी इस प्रकार बना सकते हैं अपने गाने का एल्बम टेक्स्ट का डिजाइन कर सकते हैं और अपना पोस्टर बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम मैं एल्बम का टेक्स्ट डिजाइन कर दिया हूँ। तो इसी तरह का किसी भी प्रकार का ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर पोस्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल हो तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगा उसका सोल्यूशन।
हाँ तो दोस्तों, इसी प्रकार टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़ी वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।